हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एसपी चैप्टर सेकंड, सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस के पास मनी कहाँ से आता है वो हम चालू कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर, द फर्स्ट वन इज अ शेयर्स। शेयर कंपनी रिसीव मनी फ्रॉम शेयर। वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द मीनिंग। टोटल कैपिटल of company is divided into small parts and each part is called as share। अभी तुमने देखा होगा बीके में भी कि capital brought by new partner। same way company में जितना capital लगता है वो सब capital को small small unit में small small parts में divide कर देते हैं and that small part, each small part is called as an share। okay, each small part is called। now we'll go for the example। देखते हैं हम लोग एक suppose share capital is 5 lakh। okay, company ने money collect किया 5 lakh का और company ने decide किया कि 10 rupees का shares बनाएंगे। तो 5 lakh divide by 10 is equal to 50,000 shares, मतलब 10-10 rupees का एक share बनाया और वो 10 rupees मतलब share। सो टोटल कैपिटल डिवाइडेड इंटू स्मॉल पार्ट, स्मॉल पार्ट मतलब 10 rupees इज कॉल एज अ शेयर। तो वी कैन ऑल्सो से दैट दैट शेयर इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी। हाँ, तो कैपिटल ऑफ द कंपनी, तो शेयर होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इज कॉल एज एन शेयर ऑफ कैपिटल। नाउ सी दैट कि हमेशा नहीं है कि 10 rupees होगा, 100 rupees का भी कर सकते हैं। 5 lakh को 5 lakh का 100 में डिवाइड कर सकते हैं। तो दैट 100 rupees इज ऑल्सो कॉल एज एन शेयर्स, इज कॉल एज एन शेयर्स। ओके, तो स्मॉल स्मॉल डिवाइडेड कैपिटल डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल यूनिट इज कॉल एज एन शेयर्स। नाउ वी आर गोइंग टू सी द सर्टिफिकेट ऑफ द शेयर। सी दिस इज एग्जाम्पल, सर्टिफिकेट लिया है हमने एक कंपनी का। ओके, नाउ वी विल सी, नाउ दिस इज अ नेम ऑफ अ शेयर होल्डर, जो उस पर नाम लिखा रहता है। दिस इज अ शेयर सर्टिफिकेट। ओके, शेयर सर्टिफिकेट एंड उस पर जो नाम लिखा रहता है दैट इज कॉल एज एन शेयर होल्डर्स नेम, शेयर होल्डर्स नेम। दिस इज अ शेयर। ओके, से सर्टिफिकेट है, ये रिसिप्ट है, ये बिल है, ये हमें मिलता है एंड उसमें जो भी लिखा रहता है ओके नेम, उसको बोलते हैं शेयर होल्डर। मतलब ये शेयर है किसका है, होल्डर का है, जिसके पास है उसका है, तो उसका नाम होता है शेयर होल्डर। तो याद रखना, फीचर्स में आएगा शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट देखते हैं, 10 rupees जो हमने देखा डिवाइडेड इंटू स्मॉल यूनिट इज कॉल एज एन फेस वैल्यू। अगर 10 rupees नहीं तो 100 rupees होता है, तो दैट इज कॉल एज एन फेस वैल्यू। शेयर्स के फेस पे लिखा है, सो दैट इज कॉल एज एन फेस वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ ईच शेयर इज हैविंग अ डिस्टिंक्ट नंबर। जैसे हमें अलग अलग रोल नंबर्स मिलते हैं, अलग अलग बिल के नंबर्स होते हैं, तो हर सर्टिफिकेट का एक डिस्टिंक्ट डिफरेंट नंबर होता है। नेक्स्ट इज अ शेयर्स, मतलब कैपिटल को डिवाइड करके 10 रुपये में किया है और कितने शेयर्स है, 100 shares। तो अगर दिस शेयर होल्डर ने शेयर खरीदे होंगे तो 100 × 100 1000 उसने मनी पे किया होगा। अगेन देखना, नेम ऑफ द कंपनी है, रूल्स है, फिर लिखा है कौन सा शेयर्स है, शेयर्स है, फिर शेयर होल्डर्स का नाम लिखा है, डिस्टिंक्ट नंबर है, द नंबर्स इन वर्ड्स इन फिगर्स एंड वर्ड्स है, फिर यहाँ पे स्टैम्प है कंपनी का, सिग्नेचर्स हैं हमारे डायरेक्टर्स, टॉप लेवल के डायरेक्ट ना साइन है, ये सब हमको आंसर्स ना लिखने पड़ेंगे फीचर्स में। ओके, दिस इज अ पेसिमिंग ऑफ अ शेयर्स, शेयर्स रियल में ऐसा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू इज अ फीचर्स ऑफ शेयर्स। अभी हमने देखा, जो मैंने मीनिंग बताया स्टार्टिंग में वो हम शेयर्स के मीनिंग में डाल देंगे, दैट शेयर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कैपिटल, शेयर द कैपिटल डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड एज एन शेयर्स। नेक्स्ट इज अ सेकेंड पॉइंट इज ओनरशिप।
द ओनर ऑफ द शेयर, जिसके पास शेयर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर, उसको बोलते हैं शेयर होल्डर. दे आर द ओनर, तो ओनरशिप मीन्स द नेम ऑफ द शेयर होल्डर इज कॉल एज एन शेयर होल्डर. एंड दे आर ऑल्सो कॉल एज एन ओनर ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रिक्ट नंबर. We have seen that each share has a distinct number. It bears a distinct numbers, identifications numbers रहते हैं. जैसे हर students को roll numbers रहते हैं, वैसे distinct number रहते हैं. Next is a value of shares. Value of shares में face value लिखेंगे. The face value of the share, each share has a face value of 10 and 100. Then हम लिखेंगे कि ये जो share है market में ना कितने में sell out हुआ. ओके, मार्केट में कितने में सेल आउट हुआ, 10 रुपये का शेयर्स 9 रुपीज़ में 8 रुपीज़ में कितने में सेल आउट हुआ और उसका मार्केट प्राइस कितना हुआ, दैट इज़ वी विल राइट इन द वैल्यू ऑफ द शेयर. ओके, सो वैल्यू ऑफ द शेयर में वी विल राइट डाउन द फेस वैल्यू, इशूड प्राइस मतलब सेल प्राइस, एंड करेंट में उसका मार्केट में प्राइस कितना है वो भी लिखेंगे. नेक्स्ट इज फीचर्स इज एविडेंस ऑफ टाइटल. एविडेंस एविडेंस ऑफ टाइटल में वी विल राइट दैट कंपनी हैज़ एन कॉमन सील. एक स्टैम्प रहेगा, वो स्टैम्प इज अ एविडेंस, इज अ प्रूफ दैट कि ये शेयर सर्टिफिकेट इस कंपनी का है. तो अगर रिलायंस का होगा तो रिलायंस का स्टैम्प रहेगा उसमें, टाटा का होगा टाटा का स्टैम्प रहेगा. तो स्टैम्प हमें प्रूव करता है कि दिस इज अ शेयर सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी. Next is point is rights. Now each shareholders has a right. Shareholders को right रहते to get a dividend. Dividend means interest on shares बोल सकते हैं, profit of the company बोल सकते हैं. तो each shareholders has a right to right of dividend. Even they have a right to vote in meetings. अगर कुछ decision लेना है तो voting rights भी इनको रहता है to votes. And to even attend the meetings. The shareholders has a right for to claim dividend, then to attend meeting and even to even they have the right to vote. Vote bhi kar sakte hai. Next point is income. Now shareholders get a net profit. जितना भी कंपनी का प्रॉफिट रहता है उसका उसका शेयर शेयरहोल्डर को मिलता है. तो इवन इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इट इज़ ऑल्सो शेयर होल्डर्स रिसीव अ इनकम. इनकम कैसे मिलता है उनको, डिविडेंड फॉर्म में मिलता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है. नेक्स्ट इज कॉल एज एन टैक्सेशन. ओके, नाउ ओके, नेक्स्ट पार्ट इज नॉट अ टैक्सेशन, नेक्स्ट पार्ट इज अ ट्रांसफरेबिलिटी. दैट मीन्स वॉट, अ शेयर होल्डर्स कैन ट्रांसफर हिज शेयर्स टू एनीबडी. किसी को भी अपना वो शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकता है, फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकता है. एंड जनरली पब्लिक लिमिटेड कंपनीज अपने शेयर किसी को भी ट्रांसफ़र कर देना, मतलब शेयर सोल्ड आउट करना. ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज अ काइंड ऑफ शेयर्स. नाउ देयर आर टू टाइप काइंड्स ऑफ शेयर, टू टाइप्स ऑफ शेयर. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एन इक्विटी शेयर होल्डर एंड द सेकेंड इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर. इन डिटेल में हम पढ़ेंगे. तो वंस अगेन रिकैप कर लेते हैं, मीनिंग में क्या लिखना है. शेयर इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल. ओनरशिप में क्या लिखना है, द ओनर ऑफ द शेयर इज कॉल्ड एज एन शेयर होल्डर. ईच शेयर सर्टिफिकेट हैज अ डिस्टिंक्ट नंबर. वैल्यू में क्या लिखना है, फेस वैल्यू, इशू प्राइस एंड मार्केट प्राइस. एविडेंस में क्या लिखना है, कॉमन सील. कॉमन सील की वजह से आइडेंटिफाई होता है कि किसका शेयर है. देन राइट, शेयर होल्डर हैज़ अ राइट फॉर डिविडेंड, फॉर मीट अटेंडिंग मीटिंग एंड इवन फॉर द रो फॉर टू वोट. देन इनकम में लिखना है, शेयर होल्डर्स रिसीव डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ इनकम एंड शेयर होल्डर्स कैन ट्रांसफर दिस शेयर्स फ्रीली. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट इज अ काइंड्स ऑफ शेयर्स. देर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, दैट इज अ इक्विटी शेयर्स एंड अ प्रेफरेंस शेयर्स. तो हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ही होगा इक्विटी शेयर्स. सो फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स.
फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स में ही हमारा मीनिंग आ जाएगा. तो रिमेंबर, इक्विटी शेयर्स आर कॉल एज अ रियल ओनर ऑफ द कंपनी. इक्विटी शेयर्स गेट अ फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड. इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड बदलता रहता है. ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट कम डिविडेंड. सबसे लास्ट में बचा हुआ नेट प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है. इक्विटी शेयर होल्डर्स को सारे लॉसेस भी बेयर करने पड़ते हैं. एंड सबसे इन इवन दे हैव द राइट टू अटेंड द मीटिंग, दे हैव द राइट टू वोट, दे हैव द राइट. इक्विटी शेयर होल्डर्स हैज़ अ राइट टू राइट टू इलेक्ट देयर मेम्बर एज अ डायरेक्टर्स. तो इक्विटी शेयर्स, वंस अगेन, इक्विटी शेयर्स आर कॉल्ड एज एन रियल ओनर ऑफ द कंपनी. दे गेट अ फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड. दे हैज़ अ राइट टू वोट, राइट टू प्रॉफिट. इवन दे कैन चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी. दे हैव नो प्रेफरेंशियल राइट. सबसे लास्ट में उनको पैसा मिलता है सबका पेमेंट होने के बाद. तो वी विल गो फॉर द फीचर्स. द फर्स्ट फीचर्स इज अ परमानेंट कैपिटल. परमानेंट कैपिटल. नाउ इक्विटी शेयर होल्डर से जो पैसा कंपनी को मिलता है दैट इज कॉल्ड एज एन परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी. Why permanent capital? Because in the lifetime of the company never refund the money back to the shareholders. Shareholders को उनका पैसा उन्हें कभी वापस नहीं देती. Unless company बंद होगा, wind up होगा, या company अपने ही shares अपने market से खरीद लेती है. तो that is called as an long term. Okay, so लॉन्ग टर्म कैपिटल है. एक बार पैसा आ गया तो वापस कभी भी पैसा शेयर होल्डर्स को वापस नहीं करना है. लाइफ टाइम तक वो कैपिटल कंपनी के पास ही रहता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, जो अभी हमने डिस्कस किया था. फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड मतलब जो भी डिविडेंड, जो भी शेयर्स के इन रिटर्न में नेट प्रॉफिट मिलता है, बचा हुआ जो प्रॉफिट होता है शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. जैसे हम बैंक में पैसा रखते हैं तो हमको इंटरेस्ट मिलता है, वैसे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है. फ्लक्चुएटिंग मतलब कीप्स ऑन चेंजिंग. मोर प्रॉफिट मोर डिविडेंड, लेस प्रॉफिट लेस डिविडेंड. अगर ज़्यादा प्रॉफिट है तो ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा. अगर इन द केस ऑफ लॉस, कंपनी ने कभी लॉस किया तो इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा. ओके, तो डिविडेंड इज नॉट फिक्स. अगर कंपनी ने एक साल प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अर्न किया तो उस साल शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा. फिर एक साल ऐसा हुआ कि कंपनी ने प्रॉफिट कम अर्न किया तो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट कम मिलेगा. एक बार ऐसा हो कि कंपनी का लॉस हो गया तो इन दैट ईयर द शेयर होल्डर विल नॉट रिसीव एनी डिविडेंड. तो डिविडेंड कीप्स ऑन चेंजिंग. नेक्स्ट इज अ फेस वैल्यू. जो हमने देखा था कि द वैल्यू ऑफ द शेयर्स 10 rupees इज कॉल्ड एज एन फेस वैल्यू. तो जनरली इक्विटी शेयर्स के फेस वैल्यू कम होते हैं, 10 rupees या 1 rupee होता है, कभी भी 100 नहीं होते, 100, 500, 600 नहीं. तो इनिशियली द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स इज लो, कम रहता है. 10 rupees या 1 rupee का ही शेयर्स रहता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट राइट्स. ओके, हमने देखा था इवन इन द फीचर्स ऑफ शेयर्स में देखा था कंपनी हैज़ अ शेयर होल्डर हैज़ अ राइट. कंपनी शेयर होल्डर्स को राइट देती है. क्या क्या राइट मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को? तो इक्विटी शेयर होल्डर को राइट मिलता है राइट टू वोट. राइट टू वोट मीन्स वॉट? इन द मीटिंग शेयर होल्डर हैज़ अ राइट टू वोट. अगर किस डायरेक्टर्स बनाना होगा, ऑडिटर अपॉइंट करना होगा, टॉप लेवल के कुछ मैनेजर्स अपॉइंट करने होंगे, तो एवरीथिंग इन दैट दे हैव अ राइट टू वोट. तो मेजोरिटी से डिसीजन होता है. इवन द शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट अ शेयर इन द प्रॉफिट, बट सबसे लास्ट में बचा हुआ प्रॉफिट उनको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. देन इवन द इक्विटी शेयर होल्डर हैज़ अ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स. कंपनी के बुक्स वो लोग चेकआउट कर सकते हैं. एंड इक्विटी शेयर होल्डर हैज़ एन राइट
हाँ टू ट्रांसफर देयर शेयर्स। हाँ कंपनी उनको पैसा नहीं देगी बट वो अपने शेयर किसी और को बेच सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज एन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो राइट्स में क्या क्या लिखना है कि शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट रहता है वोटिंग का, राइट इन शेयर इन प्रॉफिट एज अ डिविडेंड, इवन दे हैव अ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक एंड दे हैव द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स। नेक्स्ट इज अ नो प्रेफरेंशियल राइट। यस उसको इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस नहीं मिलता है, सबसे लास्ट में सारे कंपनी के एक्सपेंसेस पे हो जाएंगे, सारे इन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगे। सेकेंड टाइप ऑफ शेयर इसको अलग है प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी डिविडेंड दे देंगे, सब सेविंग कर देंगे, फिर बचा हुआ पैसा, बचा हुआ नेट प्रॉफिट शेयर होल्डर्स रिसीव इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। सो दे हैव नो प्रेफरेंशियल राइट, मतलब पहले उनको नहीं देते, उनको सबसे लास्ट में देते हैं। तो डिविडेंड इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में डिविडेंड मिलता है। इवन केस ऑफ वाइंडिंग अप, अगर कंपनी बंद हो रहा होगा तो पहले क्रेडिटर्स को, बैंक लोन को, बिल्स पेएबल को, सबको पे कर देंगे, प्रेफरेंस को भी पे कर देंगे, फिर पैसा बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करेंगे, बिकॉज द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर कॉल एज एन ओनर ऑफ द कंपनी, ओनर को तो बचा हुआ ही पैसा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इज कॉल एज एन मार्केट वैल्यू। नाउ मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स कभी कम ज़्यादा होते रहते हैं, डिपेंड्स अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द शेयर्स। शेयर्स कैसा डिमांड एंड सप्लाई होता है उस पर डिपेंड रहता है, एंड मोस्टली डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट। अगर ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा तो मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगा, कम प्रॉफिट हुआ तो कम डिविडेंड मिलेगा तो मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स विल बी डिक्रीज। तो अगेन इक्विटी शेयर्स के मार्केट वैल्यू डिपेंड्स होते हैं उसके डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द शेयर्स। ओके, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द शेयर्स, एंड डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द शेयर्स डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, एंड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी एंड डिविडेंड डिक्लेयर बाय द कंपनी। ओके, इफ द कंपनी मेक्स अ ह्यूज प्रॉफिट, कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट किया तो द शेयर होल्डर्स विल रिसीव अ मोर डिविडेंड एंड द शेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स विल बी इंक्रीज। एंड इफ एनी ईयर द कंपनी सफर अ लॉस, देर विल बी अ नो डिविडेंड एंड इन दैट केस द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स विल बी फॉल। तो राइट्स, वोटिंग राइट्स, प्रॉफिट, इंस्पेक्ट बुक एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, नो प्रेफरेंशियल राइट, सबसे लास्ट में पेमेंट होता है, एंड मार्केट वैल्यू डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट एंड द डिविडेंड। नेक्स्ट पॉइंट वी विल गो फॉर कंट्रोलिंग पावर। यस, इक्विटी शेयर होल्डर हैज़ अ फुल राइट टू कंट्रोल द कंपनी। कंपनी को पूरा कंट्रोल करने का उनको मौका मिलता है, फुल कंपनी को कंट्रोल करना पड़ता है, बिकॉज दे आर कॉल एज एन रियल ओनर ऑफ द कंपनी, दे आर कॉल एज एन रियल मास्टर ऑफ द कंपनी। कंपनी के बुक्स चेक कर सकते हैं, कंपनी के वोटिंग कर सकते हैं, किसको सिलेक्ट करना है, किसको डायरेक्टर्स बनाना है वो उनके हाथ में होता है, प्रॉफिट कितना हुआ, मैनेजमेंट बराबर काम कर रहा है कि नहीं, ये एवरी क्वेश्चन दे कैन आस्क। सो दे हैव द कंट्रोल पावर ऑफ द कंपनी। ओके, वाई? बिकॉज उन्होंने, पब्लिक ने पैसा दिया है डायरेक्टर्स को, मैनेजमेंट को, एंड उस पैसे से कंपनी अपना बिजनेस चेक करता है। तो सारा पैसा किसने दिया था? इक्विटी शेयर होल्डर्स ने दिया था, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट रहता है टू कंट्रोल द फुल बिजनेस, कंट्रोल करने की पावर रहती है उसको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अ रिस्क। एज वी हैव सीन दैट इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, ओनर है, कंपनी के ओनर है, तो रिस्क भी वही लेंगे, पूरा लॉसेस भी वही बेयर करेंगे। सो द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड एज एन रियल रिस्क बेयरर।
दे आर इवन कॉल एज एन शॉक एब्जॉर्वर्स. शॉक मतलब कभी कभी शेयर्स के वैल्यू 1000 हो जाते हैं तो कभी ज़ीरो भी हो जाते हैं, तो शॉक एब्जॉर्वर्स होते हैं. मार्केट का सब शॉक वो एब्जॉर्व करते हैं. सबसे ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं. शेयर्स कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है वैल्यूज़. एंड दे आर कॉल एज एन रियल रिस्क टेकर्स. हाँ, क्रेडिटर्स को अपना पैसा मिल जाता है, डिबेंचर्स को मिल जाता है, प्रेफरेंस को मिल जाता है, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स का मनी रिस्क पे रहता है. प्रॉफिट हुआ, अच्छा बिजनेस हुआ तो उनका पैसा उनको वापस मिलेगा, अदरवाइज फुल इज लॉस. सो दे आर कॉल एज एन रियल रिस्क बेयरर्स. नेक्स्ट पॉइंट इज बोनस शेयर्स. ओनली इक्विटी शेयर हैज अ राइट फॉर बोनस शेयर्स. जैसे ना तुमने सुना होगा पेरेंट्स को ना दिवाली में बोनस मिलता है, एक्स्ट्रा मनी मिलता है. सेम वे इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स मिलते हैं. हाँ, फ्री में शेयर्स मिलते हैं अकॉर्डिंग टू देयर होल्डिंग्स. जिनको ज़्यादा होल्डिंग है शेयर, जिसने ज़्यादा शेयर खरीदा है उसको ज़्यादा बोनस मिलता है, एंड जिसने कम शेयर खरीदा है उनको कम बोनस मिलता है. तो इन प्रोपोर्शन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स द बोनस शेयर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, एंड दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एट आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. जो प्रॉफिट कंपनी ने सेव किया है उसमें से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो इक्विटी शेयर होल्डर हैज़ अ कंट्रोलिंग पावर. इक्विटी शेयर होल्डर्स बेयर द रिस्क ऑफ द कंपनी, एंड इक्विटी शेयर होल्डर ओनली गेट अ बोनस शेयर्स. बोनस शेयर्स मतलब फ्री के शेयर्स मिलते हैं हमको. नेक्स्ट पॉइंट इज रेसिडुअल क्लेमेंट. दैट मीन्स जो हमने बार बार डिस्कस किया कि जो बचा हुआ रेसिडुअल मतलब जो बचा हुआ पैसा बचेगा वो उनको लास्ट में किसको देना पड़ता है, कौन क्लेम करता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स क्लेम करते हैं. सो वॉट एवर द अर्निंग्स, जितना भी प्रॉफिट हुआ उसमें से एक्सपेंसेस पे कर देंगे, टैक्सेस पे कर देंगे. जो बचा है पैसा, then that profit is received by the shareholders as a form of dividend. सब expenses, सब खर्चे business के pay होने के बाद बचा हुआ पैसा equity shareholders को देते हैं. बचा तो देते हैं, नहीं बचा तो नहीं देते. So their dividend is also not fixed. Next point is no charge on asset. अभी हमने देखा है कि इक्विटी शेयर होल्डर रियल ओनर ऑफ द कंपनी है, रिस्क बेयरर है, मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक भी कर सकते हैं. बट अगर कोई कंपनी के प्रॉपर्टी पे उनका क्लेम नहीं रहता, दे हैव नो चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी एंड नो लीन ऑफ द एसेट्स ऑफ द क्रेडिटर्स एंड डेब्ट. उनका कंपनी में ना किसी भी चीज़, किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम नहीं रहता. मतलब कल को वो लोग उठ के नहीं बोल सकते कि ये कंपनी का लैंड हमारा है, ये मशीनरी मेरा है. दे हैव नो चार्ज, नो क्लेम. दे कैन नॉट क्लेम दैट कि ये प्रॉपर्टी मेरा है. नेवर. एंड इन द केस ऑफ द कंपनी फेल्ड, कंपनी फेल भी अगर कंपनी ने ना सपोज लॉस हुआ और कंपनी ने क्रेडिटर्स बैंक लोन को पे नहीं कर पाई, तो दैट एसेट इज टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर्स एंड द बैंक लोन. डेप्ट जिनका भी लेफ्ट है, दे हैव द चार्ज ऑन दैट एसेट. अभी सपोज मैंने एक कंपनी में मैंने 1 लाख के शेयर्स खरीद लिए, कल को उस कंपनी का लॉस हुआ, तो आई विल नॉट गो टू द कंपनी एंड सेड कि तुम्हारे मशीनरी बेच दो, तुम्हारा लैंड बेच दो, तुम्हारे ऑफिसेस बेच दो और पैसा मुझे दो. तो शेयर होल्डर्स हैव नो चार्ज. हाँ, एट दैट टाइम क्रेडिटर्स एंड जिसने लोन दिया, डेब्ट दिया है, बैंक लोन आके बोलेंगे हमारा पैसा हमको वापस चाहिए, हमने पैसा दिया था, एसेट्स बेचो, लैंड बेचो, ऑफिसेस बेचो, हमारा पैसा वापस दो. तो सेम वे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव नो चार्ज ऑन द एसेट. चार्ज किसका रहता है? क्रेडिटर्स का एंड द लोन का. नेक्स्ट इज अ कैपिटल एप्रिसिएशन. नाउ कैपिटल के ना मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल इंक्रीजेस
अगर शेयर्स के हमने देखे थे कि शेयर्स के वैल्यू कैसे इंक्रीज़ होते हैं, कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट किया तो शेयर्स के वैल्यू इंक्रीज़ हो जाते हैं। शेयर्स के वैल्यू इंक्रीज़ हो जाते हैं मतलब क्या होता है, कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाता है, कंपनी का कैपिटल इंक्रीज़ हो जाता है। एंड अगर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है तो कंपनी का मार्केट में क्या होता है, गुडविल क्रिएट होता है, रेपुटेशन क्रिएट होता है, रेपुटेशन इंक्रीज़ हो जाता है। तो सेम वे ड्यू टू द इंक्रीज इन प्रॉफिट मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इंक्रीजेस, एंड इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इंक्रीजेस कैपिटल इंक्रीजेस, एंड कैपिटल एंड प्रॉफिट इंक्रीजेस तो मार्केट में क्या होता है, हमारा गुडविल क्रिएट होता है। तो ये हमारे 13 फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स थे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज द टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, नाउ इन दैट द फर्स्ट इज अ नॉर्मल वोटिंग राइट्स। कुछ शेयर होल्डर्स के पास ना दो टाइप्स के शेयर्स होते हैं, तो फर्स्ट इज अ नॉर्मल वोटिंग राइट्स, दे विल वोट अकॉर्डिंग टू देयर शेयर होल्डिंग। अगर मेरे पास 3000 शेयर्स है और तुम्हारे पास 2000 शेयर्स है, तो अपना रेशो हो जाएगा 2:3, तो तुम्हारा 2 शेयर, मेरा 3 शेयर्स। तो ऐसे अकॉर्डिंग टू द शेयर्स हम शेयर होल्डर्स विद अ नॉर्मल वोटिंग राइट्स होते हैं। नेक्स्ट है शेयर होल्डर्स विद अ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ओके, डिफरेंशियल वोटिंग राइट डिफरेंट डिफरेंट होता है, हर शेयर होल्डर्स का डिफरेंट डिफरेंट वोटिंग राइट्स होता है। नाउ दिस वोटिंग राइट्स वैरी अकॉर्डिंग टू द डिविडेंड वोटिंग एंड द रूल ऑफ फोर कंपनीज एक्ट में है, 2014 में है, जिसमें शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बारे में बोला है। तो याद रखना, देर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, विद अ नॉर्मल वोटिंग राइट एंड विद अ डिफरेंशियल वोटिंग राइट। नॉर्मल वोटिंग राइट में दे कैन वोट इन द मीटिंग्स अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर्स दे आर होल्डिंग। एंड इन द डिफरेंशियल राइट में दे कैन वोट अकॉर्डिंग टू द देयर वोटिंग राइट वैरी अकॉर्डिंग टू द डिविडेंड वोटिंग एंड द रूल फोर ऑफ द कंपनीज एक्ट से वेरी करते हैं। ओके, तो हमने आज मीनिंग कवर किया, फीचर्स ऑफ शेयर्स कवर किए, देन उसके बाद हम लोगों ने कवर किया फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, फिर कवर किया टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रेफरेंस शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग, चलो बाय।